बोकारो दिन भर में आज देखिए। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्यों किया डीसी दफ्तर का रुख, बस स्टैंड के स्टाफ क्यों है भूख हड़ताल करने को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज मुख्य खबरों में एक दिल दहला देने वाली घटना पर होगी बात, पर पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठी, काली पट्टी बांध सड़कों पर उतरे छात्र। बिहार के पश्चिमी चंपारण नदिया उफान पर प्रशासनिक महकमा हुआ सक्रिय। भारत में 9 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट 64% हुआ। रफाल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था कल पहुंचेगा भारत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 558 अंक और निफ्टी 168 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 390 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वही चांदी का दाम 2700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब चलते हैं बोकारो खबरों में। आज शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से। सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। एक बेटे को अपने ही पिता के कत्ल के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिजनों का कहना है कि बेटे का वॉलेट नहीं मिलने पर कहा सुनी हुई और उसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। रात के समय एक हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें इम्तियाज नामक शख्स ने अपने पिताजी के मुमताज का मुसल से मार के हत्या कर दी है। वही घटनास्थल पर हम लोग आए हुए थे। रात्रि गश्ती दल ने हरला का जो है काफी अच्छा काम करते हुए रात में ही भागते हुए इस शख्स को पेट्रोलिंग पार्टी ने गिरफ्तार किया और फिर उसका सत्यापन करने में ये बात प्रकाश में आई कि इसने अपने पिता का ही हत्या कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल आज बोकारो उपायुक्त से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से चास में सील किए गए दुकानों पर मानवीय विचार करने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी पर कुछ दुकानों को सील कर दिया गया था। आज बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिला। ये एक औपचारिक मुलाकात भी थी क्योंकि उनसे चैम्बर प्रथम बार मिल रहा था और साथ ही हम लोगों ने विशेष रूप से उनसे 3-4 दिनों पहले जो कुछ दुकानों को सील कर दिया गया था उस विषय पे मानवीय आधार पे विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने हमारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस विषय को संज्ञान में लेते हुए वो आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। उपायुक्त महोदय के पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए हम लोगों को ऐसा यकीन है कि इनके कार्यकाल में बोकारो उत्तरोत्तर उन्नति करता रहेगा। हम लोगों ने सड़क निर्माण से संबंधित विषय भी उनके सामने उठाया। आईटीआई मोड़ से लेकर के और दामोदर तक की सड़क जो है वो करीब 1.5-2 साल से बन रही है और उसके चलते काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। तुरंत उन्होंने मतलब फोन करके उस चीज़ का आश्वासन दिया कि ये कार्य वो करवाएंगे। दूसरा, बिजली से संबंधित विषय पे भी बात हुई। फुदनी डी सब स्टेशन के बारे में उन्होंने इमिडिएटली फोन करके पता किया और आदेश दिया कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू की जाए। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार चैम्बर के प्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे और हमारी फीडबैक पे वो बोकारो के उन्नति के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। अब बात बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अलग अलग संगठनों के साथ हुई बैठक की। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लगातार सप्ताह में 2 दिन बंदी का निर्णय लिया था, जिसके बाद कई छोटे व्यापारियों ने इस बंदी पर फिर से विचार करने के लिए चैम्बर से आग्रह की। आज सिटी सेंटर में हुई बैठक में चैम्बर ने छोटे व्यापारियों के आग्रह और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अपना ये फैसला वापस ले लिया है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। वायरस से होने वाली ये बीमारी इंसान के लीवर को अटैक करती है। इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में 28 जुलाई यानी कि आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आइए जानते हैं कि इसे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा एक बीमारी है
कोई भी हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकती है, ये रक्त के द्वारा फैलती है या असुरक्षित यौन संबंधों से ये हो सकता है। इस हेपेटाइटिस से बचने के लिए सबसे जो जरूरी उपाय है बचाव में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। अब बात बस स्टैंड में काम करने वाले स्टाफ के मांग की। बस स्टैंड में प्रशासन के द्वारा किए गए गड्ढों को भरने की मांग को लेकर बस स्टैंड के स्टाफ उतरे सड़क पर। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वो भूख हड़ताल का सहारा लेंगे। जो गड्ढा ये सरकार जो मतलब यहाँ के डीसी साहब और डीटीओ साहब आकर गड्ढा खोद दिए हैं, जिसके कारण से हम लोग अपना बस का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और अनदिन यहाँ पे हर दिन चोरी हो रहा है। कभी किसी बस का बैटरी चोरी हो रहा है, कभी किसी बस का स्टेपनी चोरी हो रहा है। तो गड्ढा किस वजह से कोना गया था हम लोग को ये पहले पता चले, और दूसरा में कि ये गड्ढा बंद हो, गड्ढा को भर दिया जाए। रात में यहाँ से अंदीना लोहा चोर, बैटरी चोर, टायर चोर सब लोग आता है। लोग रात में स्टेपनी चोरा लेता है, बैटरी चोरा लेता है, और नहीं तो एगो दो खलासी को सोलाते हैं, उनको मारता भी है लोग। कोई गाड़ी नहीं, ना पुलिस प्रशासन, कोई पूछना नहीं, बंद करने के लिए कोड़ दिया लोग, पूछना नहीं आया लोग। कोई दुर्घटना घट जाता है तो फिर क्या होगा? कोई पूछने नहीं आया लोग कि इसमें लोग पांच गो भी आदमी रहता है, बस को घोरता है चाहे देखता है उसके बारे में। हम लोग के साला खाने का कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो अब आप लोग क्या करिएगा? क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, जान दे देंगे कि हम लोग का गाड़ी चले या ना चले। हम लोग को तो कुछ नहीं पता लग रहा है सर कि गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग को एक महीना का भत्ता बांध दिया जाए, जो नहीं तो कोई रोजगार दिया जाए। हमारे खलासी, कंडक्टर, ड्राइवर कहाँ जाएंगे सर? हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग लास्ट में हम लोग का ऐसा होगा कि नहीं तो हम लोग स्टेट में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब घर में मरना तो उससे अच्छा कि हम लोग यहाँ स्टेट में बैठ के मरेंगे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। अगर माँ भी बहन कोई बीमार पड़ जाता है हमारे घर में तो हम लोग के पास इतना औकात नहीं है कि हम लोग अपने बाल बच्चा को इलाज करवा सकें। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में सोमवार को 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 81 हो गई है। अब खबरें धनबाद की। कतरास बाजार LIC ऑफिस के पास एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत होने के बाद प्रशासन के द्वारा उस इलाके को सैनिटाइज किया गया। और अब चर्चा कतरास के बागमारा सामुदायिक केंद्र की। बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक लैब टेक्नीशियन कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में OPD कार्य रोक दिया गया है। एक नज़र मौसम पर। आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और आसमान में बादल देखे गए, जिसके कारण उमस का दर आज भी बढ़ता नजर आया। शाम की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य मार्केट के व्यवसायियों ने रविवार को सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया। चंदन क्यारी प्रखंड के गांव में बंद कमरे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने के बाद सोमवार को सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गाँव को सैनिटाइज किया गया। चंद्रपुरा के मनरेगा कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ सोमवार को सड़क पर उतरे, जिसके कारण चंद्रपुरा की मनरेगा विभाग में ताला बंद रहा। पेट्रवार में टीका लगाने के बाद शिशु की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट ने बोकारो DC राजेश सिंह के आदेश पर अपनी जांच शुरू कर दी। पेट्रवार प्रखंड के सदमा कला पंचायत के संकल्प सोसाइटी कार्यालय में संस्था के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें संस्था के कोषाध्यक्ष भगवान दास हेमरेम ने कहा कि जैक मैट्रिक परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पेट्रवार के आदिवासी छात्र छात्राओं को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। चंद्रपुरा में कई स्थानों पर गायत्री परिवार ने पौधारोपण किया। गोमिया प्रखंड के उप प्रमुख मीना देवी ने कथित तौर पर 36 पेंशनधारियों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के मामले में दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री से की और उन्हें ईमेल के जरिए शिकायत पत्र भेजा। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।